हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं कहाँ पर हूँ आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सपने देखो, सपने सचमुच होते हैं, और आज मेरा इतना बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है और अंदाज़ा नहीं था। बट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या मेरे सिस्टम में सीखा है कि किसी चीज़ को अगर आप चाहते हो तो उसको दिल से अगर चाहते हो तो बिल्कुल आपके साथ आपको मिलती है। और वैसे ही एक मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना, मैं किसके साथ हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं रफ़ी साहब, उनका नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है, उनके दामाद साहब परवेज साहब जो बहुत हम्बल है, आज मैं उनके साथ हूँ। और मेरी खुश नसीबी है कि परवेज साहब के साथ हूँ। मैं उनको वीडियो में देखा करता था, और एक टाइम मैं आज से 15 डेज़ पहले 31 जुलाई को मैं मिला आपको, और 31 जुलाई को मिला मैं, और उस दिन का उनसे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई सर। और मिलने के बाद मेरी मोहब्बत जो है बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि दिन रात में परवेज साहब को, और इतने हम्बल है कि डेली मुझे गुड मॉर्निंग आता था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर कि आपको गुड मॉर्निंग मेरे को आता था। तो इतनी बड़ी शख्सियत के दामाद नहीं, और सोचिए तो आज मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं परवेज सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे को सर के बारे में। और ये जो अवार्ड्स जो है यहाँ पर लगे हुए हैं सारे, ये अवार्ड्स दिख रहे हैं, अवार्ड्स रूम है, मैं अवार्ड्स रूम में हूँ आज रफ़ी साहब के, और परवेज सर हमारे साथ है, और उनका पूरा कलेक्शन है, और सर पूरी चीज़ें हैंडल संभालते हैं, है ना? बस क्या संभाल सकते हैं, जो है उनका ही है। जी जी जी, रफ़ी साहब की मेहनत, लगन, प्यार जो उन्होंने दुनिया से लिया जी, वही उन्होंने दुनिया को दिया जी। बस यस यस, बिल्कुल। तो रफ़ी साहब भी बहुत हम्बल थे, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं जी, बहुत सारी है, बहुत बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि वो किस तरह से लोगों की हेल्प करते थे, और लोगों को पता भी नहीं। हमेशा बिल्कुल सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद है थोड़ी सी? ऐसी तो कोई मतलब कई बातें हैं जो रफ़ी साहब के बारे में सारी दुनिया जानती है जी, और कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया, हर एक जो भी उनके पास आया जी, सबके लिए उन्होंने अपनी तरफ से जितना भी जो कुछ भी हो सकता था किया जी। बस इसी तरह से एकदम सादा दिल इंसान जी, और कभी कोई गुरूर नहीं। जब रिकॉर्डिंग के बाद उनसे किसी ने पूछा, कहा भी कि रफ़ी साहब आपने क्या गाना गाया, बहुत अच्छा, बोलते मैंने कुछ नहीं गाया, ऊपर की तरफ उंगली उठा के बता देते थे, मुझसे गवा दिया बस, मतलब वो भी क्रेडिट हम खुद नहीं लेते थे, बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेते थे। और बहुत सारे किस्से हमने सुने, बहुत सारी कहानियाँ सर के बारे में सुनी है, बट ये लाइव एक्सपीरियंस है। मैं जानबूझकर सर को बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पता है, बट ये शायद ये यादगार होगी मेरी, मेरी जिंदगी की। बिल्कुल सर इतने हम्बल है, बोले फिर भी मिलेंगे हम लोग।